को भी चलाने का एक रतो ही अलग है यार। यार इसमें बढ़िया वाला फील आता है। 140 bhp की पावर है, तो जो ओल्ड मॉडल के जो शौकीन है ना यार, उन लोगों के लिए एक अलग ही पसंद बन जाता है। मिनी ऑडी Q4 पर ये बेस्ड होता है यार साथियों, इसीलिए ये अलग ही हटके है। नई वाली क्रेटा कई लोगों की पसंद नहीं है, पुरानी क्रेटा है। साथियों यार यहाँ पर हुई थी एनिमल मूवी की शूटिंग, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर हाईजेक कर ली जाती है उसकी गाड़ी, वो वाली जगह मैं दिखाता हूँ जहाँ उसके बाप की गाड़ी को हाईजेक करके ब्लास्ट होता है। यहाँ पर है ये जगह, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ही एग्जैक्ट इसी जगह पर हुई थी वहाँ की शूटिंग, और PK मूवी की भी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। बस खैर दोस्तों यार, तो जूम कार की शुरू से लेकर अंत तक की प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें मैं बताऊँगा यार कि जूम कार को आप कैसे उठा सकते हैं, कैसे पेमेंट कर सकते हैं, और कैसे आप जूम कार को ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे आसानी से सस्ते प्राइस में उठा सकते हैं, और क्या गलतियां आपको नहीं करनी पड़े करनी चाहिए यार दोस्तों। कई गलतियों की वजह से कुछ दोस्त क्या करते हैं कि जूम कार बुक भी कर देते हैं और अपने पैसे भी खो देते हैं। तो दोस्तों यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए तभी आपको पता चलेगा। हम एक अच्छी खासी SUV लेकर आपको दिखाएंगे यार कि क्या उसके प्राइस होने वाले, कैसे उसको चलाएंगे हम, और क्या कैसा होने वाला है, सारी चीज़ें वीडियो में बताएंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं पुराना कस्टमर हूँ, 5-star मेरी रेटिंग है, यानी कि पहले भी मैं गाड़ी बुक कर चुका हूँ, तो इसीलिए मेरी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई है। यहाँ पर माई ट्रिप में आप देख सकते हैं, मैंने 16 मार्च को यानी पिछले साल ये गाड़ी उठाई थी, क्विड उठाई थी पेट्रोल, जो 650 rupees में उठाई थी। अब लेकिन क्या है, एक साल बाद मैं जूम का दोबारा उठा रहा हूँ और जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो दोस्तों यार आप बताइए कौन सी गाड़ी मैं उठाऊँ, अल्टिका उठाऊँ या फिर उठा लूँ मैं ये जेज, या फिर ये बलेनो भी है 173 rupees घंटे के हिसाब से, ये देख सकते हैं आप ट्रेवर है 180, ब्रेजा है 150 rupees की, और यहाँ पर मारुति स्विफ्ट है 146 rupees की, और टाटा पंच है 116 rupees। ये घंटे का हिसाब है, यानी कि कम से कम आपको इसमें 8 घंटे तक गाड़ी उठानी पड़ेगी मिनिमम दोस्तों, ये वाली चीज़ है। तो आपका क्या प्राइस बनता है वो तो आपको इसको उठाकर ही पता चलेगा। तो आइए हम आपको बड़ी गाड़ी उठा के दिखाते हैं, SUV पर हम जाते हैं। तो SUV पर जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्रेटा है 280 rupees, ये देखिए कैसी सजी है दोस्तों। खास चीज़ इसमें ये है कि आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ध्यान इस बात का रखना है साथियों कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर फिल्टर बहुत सारे हैं, और आप जब भी जूम कार पर गाड़ी उठाएं तो एक चीज़ ज़रूर देखें दोस्तों। जैसे कि ये आप ट्रिप देख रहे हैं, ये जैसे इसमें 135 है, इसमें 108 है, इसमें 19 है, ठीक है, इसमें 7 है। तो दोस्तों यार ये ट्रिप जो है जिसमें ज़्यादा ट्रिप हो उसको लेने का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो गाड़ी जो होती है वो वेरीफाई होती है। आजकल जूम कार के पे भी बहुत सा फ्रॉड चल गया है, तो यहाँ पर देख सकते जैसे 4 trips है, मिनिमम उसमें 1-2 trips तो होना ही चाहिए तभी गाड़ी ले जाए। यहाँ पे आप होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके जो हैं वो प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम प्राइस में हम गाड़ी उठाएं। और यहाँ दोस्तों यार ये जो आप देख रहे हैं 4.2 kilometers, यहाँ 2.3 kilometers, यानी इतने डिस्टेंस में हमें जाना पड़ेगा, लेकिन हमें चाहिए अपने नियर बायर। तो यहाँ पर अपना एड्रेस को हम यहाँ से फिल कर देते हैं, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पर जो नियर बाय है वो यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए दोस्तों ये क्रेटा है, 2018 का मॉडल है, और ख़ास चीज़ ये है दोस्तों इसकी, ये डीजल होने के साथ साथ यार पास भी और 4.4 रेटिंग है, यानी 145 लोग इस पर ट्रिप कर चुके हैं, तो ये वाली गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। यहाँ से पहले फ़ोटो देखिए। और हाँ दोस्तों एक और चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे कि ये मैं दिल्ली में गाड़ी उठा रहा हूँ, तो आप जब भी गाड़ी उठाएं तो यहाँ पर जो इसकी नंबर प्लेट है फ़ोटो में वो ज़रूर देखें। जैसे ये स्विफ्ट की देखिए DL की प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए अमेज है, जो इसकी भी यहाँ पर जो प्लेट है ये DL की है, ठीक है। तो जैसे आप जहाँ भी हो, जिस भी सिटी में हो, जैसे ये अल्टो की DL की प्लेट है, इसकी डिज़ायर की भी DL की है, ठीक है, ये भी DL की है। तो जैसे आप अगर भोपाल में या MP में कहीं भी हैं या जहाँ भी सिटी में हैं, तो उसमें ध्यान रखें यार नंबर प्लेट देख कर ही गाड़ी लें, क्योंकि दूसरी सिटी की जो नंबर प्लेट होती हैं उनको तो बिल्कुल भी ना लें, उसमें कहीं ना कहीं फ्रॉड होने का भी खतरा हो सकता है, इस चीज़ को समझिए। ये देखिए दोस्तों, जैसे ये न्यूली एडेड है, तो इस पर अपना एक्सपेरिमेंट ना करें, अगर आप नए हैं तब तो बिल्कुल भी ना करें। ये देख सकते हैं आप i10 है, ये भी न्यूली एडेड है, तो अगर आप नए आए हैं जूम कार पर, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तब न्यूली एडेड पर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यार दोस्तों जो सामने वाला होता है गाड़ी का ओनर, उसको भी ज़्यादा नहीं पता होता है कि कैसे क्या करना है चीज़ों को, और हमें तो खैर पता ही नहीं होता, तो उसमें फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेफर करें दोस्तों
कि जिसकी 4 से 5 ट्रिप हो उसको आप बुक करें। तो देखिए हम क्रेटा को बुक कर लेते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन आ रहा है, 3700 रुपये प्राइस बता रहा है। और देखते हैं क्या क्या है। ये हमें लक्ष्मी नगर यहाँ से मिलेगी, ललिता पार्क, ये हमारा देख सकते हैं कोड है और इसमें पूरी वर्क बताया है, योर राइड, योर वेरीफिकेशन, पिकअप, ड्रॉप, ये सारी चीज़ें बताई हैं, नो एक्स्ट्रा चार्ज, 24/7 असिस्टेंट दिया है, ब्लूटूथ की लेस आएगी, पावर स्टेयरिंग मिल जाएगा, है ना। ये इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रीमियम प्रोटेक्शन प्लान है, इसको आप यहाँ से कम कर दें दोस्तों, तो ये जो प्राइस है ये और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एग्रीमेंट वगैरह है, ये पढ़ लें अगर पढ़ना हो तो। बाकी इसमें सारी चीज़ें हैं, एयरबैग वगैरह है, खैर गाड़ी में, गाड़ी अच्छी है, यहाँ से थोड़ा बहुत फीडबैक वीडबैक भी पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। खैर आइए हम इसमें एक कूपन कोड ऐड कर देते हैं जो 30% का अभी चल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2662 रुपये की हमें ये गाड़ी पड़ी है क्रेटा। ये इसकी इमेज है दोस्तों कुछ, तो ये देख सकते हैं आपको जिस तरीके से इसकी इमेज होने वाली है। अब आइए हम इसका प्रोसेस टू पेमेंट पे करेंगे, तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो इसको एडवांस पे करना पड़ता है यार, ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी कह सकते हैं इसको हम। तो 2600 रुपये का पेमेंट है, बड़ा पेमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8:44 बता रहा है। तो यार दोस्तों इसको आप पे करेंगे यहाँ से तो आपका डायरेक्ट ही ये फ़ोनपे पर पहुँच जाएगा, कुछ कर दिया है फाइनली आज की डेट के लिए दोस्तों। पेमेंट यहाँ पर देख सकते हैं आप, सक्सेस हो गया है। और यहाँ पर जूम कार की जो हमारी ट्रिप है वो यहाँ पर सक्सेस है, वही दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है एकदम, देख सकते हैं आप बुक्ड हो गई है। यहाँ सैटरडे यानी कि आज से 9 तारीख से लेकर हमारी अभी ट्रिप है, तो हम अभी थोड़ी देर में यहाँ पर इसके ओनर को फ़ोन लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं KYC वगैरह हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, लक्ष्मी नगर ललिता पार्क से हम इसको उठाने जाएंगे, चेक अनलॉक करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आपको वहीं पर जाकर बताएंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एड्रेस है, यू कैन चेक इन 30 मिनट बिफोर योर ट्रिप, मतलब 30 मिनट हमें पहले पहुंचना है यहाँ पर। ये देख सकते हैं दोस्तों यार मैनेज, यहाँ पर पेमेंट भी हो गया है, KYC कंप्लीट है, हम इसके ऑनर को यहाँ से फ़ोन लगा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं और भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर बैक करते हैं हम इसको और यहाँ से अपनी हमारी ट्रिप पर जाके आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यार, यहाँ से आप अपनी जो ट्रिप है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारी अपकमिंग ट्रिप बता रही है, ये 9 तारीख से, ये दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया है मैसेज इनका कि आप कब तक आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जूम कार की ये आ चुकी है हमारे पास मैसेज कि आपका ये है, सब चीज़ें डिटेल वगैरह है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, हैसल फ्री ये सब चीज़ें दी हैं इसमें, जमाने की जो भी झंझट है वो सब, तो ये वाली चीज़ें साथियों। अब चलिए हम इसको उठाने चलते हैं गाड़ी को। तो यहाँ पर लगी है यार हमारी गाड़ी, यहाँ देख सकते हैं पीछे पार्किंग में फंसी है कुछ इस तरीके से, पुरानी सी गाड़ी लग रही है, काफ़ी पुराना मॉडल लग रहा है एकदम ही मिट्टी टाइप की। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रखी रहती है गाड़ी, एकदम ही आपको देखकर लगेगी यार पुरानी सी। तो ऐसी गाड़ी जूम कार की लगेगी आपको मिलेगी, पुरानी टाइप की ही गाड़ी, ये क्रेटा है पुराने मॉडल की है। और यहाँ से हम पार्किंग वाले को निकलवाते, पहले तो आपकी आपको प्रोसेस समझाते हैं। यहाँ पर एक अनलॉक का बटन है, इस चीज़ को देखिए दोस्तों यार, यहाँ पर नीचे में जब आप जाएंगे तो चेक टू अनलॉक का बटन है, इसको आपको अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी राइड को चालू कर पाएंगे। ऐसे गाड़ी अनलॉक नहीं होगी, कितना भी आप इसके इर्द गिर्द घूमें गाड़ी आपकी अनलॉक नहीं होने वाली, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर ये देख सकते हैं चेक इन कार, इसको आपको करना पड़ेगा अनलॉक। तो यहाँ से हमने अपनी पार्किंग की पर्ची ले ली है बाइक की। अब देखिए पहले तो आप एक इसका वीडियो बना लीजिए साथियों अच्छे से, कि आपके मतलब बिफोर वीडियो बना लीजिए कि आपके छोड़ने पर कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो कि यहाँ से आपने तोड़ दिए है, स्क्रैचेस कर दिए हैं। तो ORVM का बना लिए, टायर का बना लें वीडियो, और यहाँ पर फेंडर का बना लें, और फ्रंट के यहाँ फॉग लैंप वगैरह के साइड का बना लें, और ग्रिल का थोड़ा सा वीडियो बना लें, यानी कि जो ओवरऑल मोटा मोटी होती है सारी जगह का वीडियो बना लें, जिससे आगे से आपको ना लगे कि गाड़ी आपकी मिट्टी है या टूटी है। अब हम करते हैं इसको अनलॉक, अभी गाड़ी अनलॉक नहीं हुई, इसकी फोटो वगैरह अपलोड करनी पड़ती है, तो वो आप अपलोड कर दीजिए, उसके बाद गाड़ी कुछ देख सकते हैं इस तरीके से। अभी भी अनलॉक नहीं है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अनलॉक हो गई है गाड़ी हमारी। अब देख सकते हैं साथियों जो इंटीरियर है
वो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से। बेस मॉडल होने वाला है ये क्रेटा का, और यहाँ पर स्टेयरिंग माउंटेड की वगैरह नहीं मिलेंगी, सीट कुछ पुरानी सी इस तरीके की होने वाली है। यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, पेपर देख लीजिए गाड़ी के कि गाड़ी में पूरे पेपर रखे हैं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, और यहाँ पर RC और इंश्योरेंस वगैरह को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद ही गाड़ी को ड्राइव कीजिए। अगर पेपर में कमी हो तो ऑनर को फ़ोन लगाइए और उसके बाद बात कीजिए उनसे। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाली, पूरी गाड़ी देख लीजिए एक बार कि कहीं कोई गाड़ी में मिस्टेक तो नहीं है, नहीं तो छोड़ने के बाद दिक्कत जाए। अब आइए इसको चलाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों यार, जो इसका लुक है वो देख सकते हैं आप, यहाँ कुछ इस तरीके से होने वाला है यार। ये देख सकते हैं प्लेयर व्लेयर तो चलो ठीक है मिल रहा है, लेकिन खैर पावर मतलब यार अब क्या ही कहो यार। ठीक है यार, मतलब अब जूम कार है तो चलाने को मिल रही है, ये बड़ी बात है। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम सिग्नेचर ब्रिज चलते हैं साथियों यार, घूमने इससे हम चलते हैं अब सिग्नेचर ब्रिज, इसके बाद हम तो वहाँ पे देखेंगे। पहले तो पेट्रोल पंप पर जाना मस्ट है, क्योंकि पेट्रोल इसमें देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा शायद आपको, यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो पेट्रोल पहले डलवाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जितनी आपको गाड़ी ड्राइव करनी हो उसी हिसाब से डीजल या पेट्रोल जो भी है उसमें डलवा लें। तो हमने 500 रुपये का डीजल डलवा लिया, क्योंकि हमें 100 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव करना है। एक बात का ध्यान रखें, जिस हिसाब से पेट्रोल या फ्यूल का मीटर में हो उसी हिसाब से आपको छोड़ना भी है। इसमें एक डंडा है तो एक ही डंडे पे छोड़ेंगे हम। व्हील अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी एक तरफ भाग रही है, मतलब जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ तो गाड़ी ऑटोमेटिक ही दूसरी तरफ भाग रही है। तो ये वाली चीज़ें हैं, कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं जो आपको गाड़ी में मिलेंगी ऑलरेडी, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने गाड़ी उठाई है तभी गाड़ी को हमने मतलब इंस्पेक्शन कर लिया था उसका, और अब चलाने पर ही देख सकते हैं आप। इस तरीके का वीडियो थोड़ा बहुत बनाते रहिए जब आप जूम कार उठाइए, तो उसमें ये रहता है कि कहीं ना कहीं जब आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी दूसरी तरफ जा रही है, अलाइनमेंट इसका डिस्टर्ब है। यहाँ देख सकते हैं व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट इसको बोलते हैं हम। ये देख सकते हैं दोनों तरफ गाड़ी हम सीधे चला रहे हैं, ऑटोमेटिक उस तरफ जा रही है। तो ये वाली चीज़ तो हम जा रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज यार, यहाँ पर देख सकते हैं रास्ते पर हम लग गए हैं। और यार साथियों बड़ी बात ये है कि ये जो गाड़ी है ये टोटल ड्राइविंग 1,28,000 है, लेकिन उसके बाद भी यार इसका जो ड्राइविंग का परफॉर्मेंस वो काफी बढ़िया है। इसमें 1.4 लीटर का यानी कि 1400 सीसी का इंजन मिल जाएगा। यार जब भी आप गाड़ी उठाएं तो ज्यादा से ज्यादा डीजल गाड़ी उठाने की कोशिश करें, क्योंकि उसका माइलेज काफी बढ़िया होता है यार डीजल गाड़ी का। और अब हम जो जगह पर आ गए वो जगह हम आपको दिखाते हैं। यहां पर हुई थी साथियों एनिमल मूवी की शूटिंग, तो यहां पर जब उसके बाप को मार देते हैं यार, यहां पर गाड़ी उसकी हाईजेक कर लेते हैं, तो ये वाली जगह है वो एग्जैक्ट जहां पर उसकी शूटिंग हुई थी। PK मूवी की भी यहां पर शूटिंग हुई थी, यानी कि दो दो तीन तीन चार चार मूवियों यहां पर अक्सर शूटिंग होती है। तो यहां कुछ इस तरीके से लाल किले के पीछे वाली साइड है ये, यहां से जाते हैं मुखर्जी नगर, और मुखर्जी नगर के साइड से ही फिर सिग्नेचर ब्रिज की भी रास्ता है, यानी कि वहीं से दोनों रास्ते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं हम जा रहे हैं। तो साथियों यार गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है, पावर बढ़िया पकड़ रही है गाड़ी यार। और मेन चीज ये है यार इसका इंस्टेंट पिकअप भी बढ़िया है, क्योंकि इसका जो टॉर्क है वो होने वाला है दोस्तों यार 200 Nm का, 1400 cc का इंजन है, 6 ट्रांसमिशन के साथ आती है ये वाली गाड़ी। तो जब भी आप जूम कार से गाड़ी उठाएं तो दो चीजों का ध्यान रखें, एक तो सबसे पहली चीज माइलेज वाली गाड़ी उठाएं डीजल वाली, और दूसरी चीज ये है यार इसमें कि थोड़ी मजबूत गाड़ी उठाएं, मारुति वारुति की गाड़ी उठाने की कोशिश ना करें ज्यादातर यार। अगर हल्की बहुत भी डैमेज हो जाती है तो उसमें जल्दी डेंट पड़ता है तो फिर आपको दिक्कत जाएगी, इसीलिए यार साथियों गाड़ी ऐसी उठाएं जिसमें आपको यार मतलब मजा भी आए और साथ में यार चलाने पर भी बढ़िया फील हो, माइलेज भी अच्छा दे और थोड़ी मजबूत भी हो यार। क्योंकि यार देखिए भाड़े की गाड़ी है यार, तो कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, लेकिन यार फिर भी भाड़े की गाड़ी चलाने में यार एक अलग ही मज़ा आता है। अपनी गाड़ी को तो देखिए थोड़े अच्छे से चलाना पड़ता है, लेकिन इसको कैसे भी चलाइए, चाहे रस ड्राइविंग करें, चाहे ब्रेक दबाएं, चाहे जो मर्जी वो करें। तो हम आ गए हैं अब सिग्नेचर ब्रिज यार, यहाँ का जो लुक है ना वो एक बहुत शानदार लुक है, एक बढ़िया वाला लुक देगी आपको यार। यहाँ पर देख सकते हैं एक आपको यार पोर्च वाला फील आएगा यार सिग्नेचर ब्रिज पर आने के बाद। तो अगर आप भी दिल्ली आएँ तो एक बार सिग्नेचर ब्रिज घूमने जरूर आएँ साथियों यार। शाम को यहाँ पर काफ़ी सारे लोग फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, बढ़िया शाम को लाइटिंग जलती है यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज पे, एकदम यार आपको बढ़िया फील आएगा सिग्नेचर ब्रिज पर यार, ये यकीन मानिए। इसीलिए मैं सिग्नेचर ब्रिज पर आया हूँ यार, यहाँ गाड़ी चलाने में एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है। और अगर आप रील बनाने के शौकीन हैं तब तो आपके लिए एक बेस्ट जगह है, तो आप कार में बैठे बैठे बढ़िया रील बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये वाली चीज़ है सिग्नेचर ब्रिज, आना ना भूलें अगर आप दिल्ली आएँ तो, ये वाली चीज़ है साथियों। अब हम गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं थोड़ी देर, मतलब जब
भी आप यहाँ आएंगे तो लगेगा आपको यार कि थोड़ा खड़ा होके और यहाँ पर मज़ा लिया जाए थोड़ा सिग्नेचर ब्रिज के नीचे, क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी भी है नीचे। तो हम यहाँ पर खड़ी कर दी हमने गाड़ी, ये देख सकते हैं साथियों। बड़ी बात ये है यार कि ठीक है यार, अब खैर 7 घंटे के हिसाब से जिस प्राइस में हमें मिली है तो खैर बुरी तो नहीं कह सकते। बस यही है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी महंगी है, लेकिन डीज़ल सही है यार, वेरिएंट है, तो इसलिए हमें अखर नहीं रही है। कम डीज़ल में हम ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं तो वो चीज़ मैनेज हो रही है। अगर हमें कम प्राइस में मिलती, मान लीजिए पेट्रोल गाड़ी अगर हम उठाते तो इतना 100 किलोमीटर चलाने में हमें कम से कम 1200 तक का पेट्रोल हमें डलवाना पड़ता। तो यानी कि डीज़ल में और पेट्रोल में फ़र्क आता है। अभी जो मीटर में इसका माइलेज हम देख रहे हैं वो 25 KMPL का बता रही है, क्योंकि हम इसको कंस्टेंट स्पीड में चला रहे हैं, रश ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं। 60 से 70 की स्पीड में हम गाड़ी को चला रहे हैं यार, तो ये वाली चीज है, तो इसीलिए गाड़ी का माइलेज जो है वो काफी बढ़िया रहा। दोस्तों यार, तो ये जो इसका ओल्ड मॉडल है यार, इसको भी चलाने का एक रतो ही अलग है यार। यार इसमें बढ़िया वाला फील आता है, 140 BHP की पावर है, तो जो ओल्ड मॉडल के जो शौकीन है ना यार, उन लोगों के लिए एक अलग ही पसंद बन जाता है। मिनी ऑडी Q4 पर ये बेस्ड होता है यार साथियों, इसीलिए ये अलग ही हटके है। नई वाली क्रेटा कई लोगों की पसंद नहीं है, पुरानी क्रेटा है और चलाने पर मजा आ रहा है, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है यार साथियों। और कभी भी जब भी आप जूम कार को उठाएं तो उसकी रेटिंग को देखना ना भूले, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। जब आप इसको ऑफ रोड में चलाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि व्हील की अलॉयमेंट डिस्टर्ब है, तो खैर उससे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ज़्यादातर रश ड्राइविंग ना करें, रश ड्राइविंग को अवॉइड करें, 80 से 100 की स्पीड पर गाड़ी ना चलाएं, कम से कम स्पीड में चलाएं, जिससे आपका क्या है कि एवरेज भी मेंटेन रहेगा। और ये ऐसा प्रेफर करें कि डीजल गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश करें, तो क्योंकि डीजल गाड़ी में क्या है माइलेज बढ़िया होगा। अगर आप पेट्रोल गाड़ी उठाएंगे तो माइलेज उसका कम होगा, तो फिर आपको ट्रिप में कहीं ना कहीं इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, 500 रुपये का केवल मैंने पेट्रोल डलवाया था और 500 रुपये में मैं गाड़ी इतनी चला रहा हूँ, ये बड़ी बात है यार दोस्तों। अब यहाँ पर अभी हम यमुना ब्रिज पर आ गए हैं, देख सकते हैं अब यमुना ब्रिज है, इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पहले हमने किया था सिग्नेचर ब्रिज से, वहाँ साइड में आप देख सकते हैं सिग्नेचर ब्रिज है, ये दूसरा ब्रिज है। यहाँ पे 6 ब्रिज रेगुलर में लाइन से हैं, तो ये वाली चीज है। तो इसका जो मीटर है यार, हमने अभी गाड़ी चला ली है टोटल 50 किलोमीटर, लेकिन जो इसका मीटर है उसका जो डीजल का कांटा है वो जस से तस नहीं हुआ है, 2 कांटे बन गए थे, यानी हमने 1 कांटे पर उठाए थे, अभी 2 कांटे हैं, तो दोनों के दोनों अभी बने हैं, एक भी कांटा इसका कम नहीं हुआ। यानी कि यार मीटर में जो डीजल का एवरेज बता रहा है वो 26 के ऊपर का बता रहा है, लेकिन जो एवरेज है वो काफ़ी बढ़िया दे रही है यार गाड़ी, तो उस हिसाब से यार अभी तक कांटा नहीं उतरा है। और जब तक नहीं उतरेगा हम कंटिन्यू गाड़ी को चलाते रहेंगे, फिर जब एक उतरेगा तभी गाड़ी को खड़ी करेंगे यार। लेकिन यार आप ऐसा ना करें, थोड़ा बहुत पेट्रोल या डीजल गाड़ी में रख कर छोड़ें, नहीं तो यार ओनर कहेगा कि क्या यार दिक्कत है यार, ये वाली चीज़ है। तो खैर चलाते चलाते हमें हो गई है रात और जूम कार की ट्रिप को भी अंत करने का समय आ गया है, शाम के 6 बज गए, 7 बजे हमें गाड़ी को खड़ी करना है। और अगर आप इसको 1 घंटे और ज़्यादा चलाएंगे तो उसके 500 रुपये के हिसाब से जो है वो प्राइस जुड़ता जाता है, तो अगर आप 1 घंटे और चलाएंगे तो आपके 500 रुपये का अमाउंट जो है वो उसमें क्रेडिट हो जाएगा जूम कार के एप्लीकेशन में। इसीलिए हमें तो कोई भी अमाउंट क्रेडिट नहीं करवाना है, तो इसीलिए हम 1 घंटे पहले ही आ गए हैं और अपनी जूम कार की ट्रिप को एंड कर देंगे यार। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि आधा घंटे पहले आ जाएँ, ज़्यादा लेट ना करें, नहीं तो 500 रुपये का जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा यार, तो फिर क्या ही मतलब यार, जो पैसे बचाए हैं डीजल डीजल में वो फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई सेंस है नहीं, इसीलिए हम पहले आ गए। तो यार हमने यहाँ पर से उठाई थी गाड़ी दिन में, तो सेम पार्किंग में आ गए हैं हम और आपको एंड करने की इसकी प्रोसेस को बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ से हम इसकी गाड़ी को टर्न करेंगे और अंदर ले जाने के बाद एंड करने की, खैर ज़्यादा कुछ टिपिकल प्रोसेस तो नहीं होती है, तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी है। लेकिन यार इन्जॉय किया हमने इस चीज़ को, ये बड़ी बात है यार, पैसे लग गए खेल लग गए लेकिन इन्जॉय किया है यार। तो आप भी वीडियो को, अगर आपने इन्जॉय किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। यार यहाँ पर हमने खड़ी कर दी है गाड़ी, लाइट वाइट को हम बंद कर देते हैं और चाबी को इसकी निकाल लेते हैं। अब हमें देखना है खैर कि अब कैसे होगी ये लॉक, नहीं तो फिर इसके ऑनर को फ़ोन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले आपको इसको चेक टू, जब आप अनलॉक पे करेंगे तो इसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं उनको आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे ड्राइवर साइड की फ़ोटो, बैक की फ़ोटो, 3-4 जब आप फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो गाड़ी फाइनली आपकी हो जाएगी लॉक। और जब गाड़ी आपकी लॉक हो जाएगी तो फिर बस जाइए यार, और हो गया वीडियो ख़त्म। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।